आपको सीधा लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। गंगा सागर पहुंच चुके हैं, ये वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, पूजा अर्चना वहां चल रही है। सीधा चलेंगे हमारे साथ अनुपम मिश्रा गंगा सागर से इस वक्त पहुंच चुके हैं, हमारे साथ लाइव है। हम सीधा चलेंगे उन्हीं के पास। और ये अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा अनुपम, और बहुत अहम यहाँ पर गंगा सागर में अमित शाह का पहुंचना, क्योंकि आध्यात्मिक मायने भी बहुत हैं इसके। कहने को सियासी दौरा, लेकिन यहाँ से क्या संदेश देने की कोशिश अनुपम? जी नवजोत, बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल जीत का जो सफर है बीजेपी का, वो बंगाल में मंदिरों और तीर्थों के रास्ते से गुजर रहा है। क्योंकि जब भी कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो त्रिमूर्ति हो, गृहमंत्री हो, देखिए अब गृहमंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करके निकल रहे हैं और जो लोग हैं उनको हाथ दिखा रहे हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि जब भी गृहमंत्री या प्रधानमंत्री या जेपी नड्डा बंगाल में चुनावी दौरे पर आ रहे हैं, तो किसी न किसी मंदिर या तीर्थ में जरूर जा रहे हैं। तो एक तरह से जो उनकी विचारधारा है उससे जुड़े होने की ये जो लड़ाई है उसमें दिखाना है कि हाँ, हिंदुत्व का जो विचारधारा है उसके परिपूरक होने की ये कोशिश है। वो पहुंच चुके हैं हमेशा। जय श्री राम।
दिवसीय दौरा है, लेकिन पौराणिक महत्व बहुत है इस जगह का भी। कपिल मुनि आश्रम का पौराणिक महत्व, कहते हैं कि ये वही जगह है जो कि भारत भूमि पर गंगा नदी के बहने और उसे पावन करने की वजह बना। और त्रेता युग में राजा सागर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो इंद्रदेव ने उनके यज्ञ के घोड़े को चुरा कर महर्षि कपिल के इसी आश्रम में बांध दिया था। सुनते हैं क्या भाई, सब माइक रख दो यार। मैं गंगा सागर तीर्थ पर समुद्र दर्शन और जहां पर माँ गंगा समुद्र में विलीन होती है उस पवित्र जगह पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर स्थित कपिल मुनि का ये मंदिर सदियों से आध्यात्म और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक बना हुआ है और इसीलिए कहते हैं कि हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस प्रकार से इस तीर्थ का महिमा मंडन हमारे पूर्वजों ने किया है। हमारे पुराणों के अनुसार महाराज भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों के मोक्ष के लिए माँ गंगा को हिमालय की गोद से लेकर गंगा सागर तक आए थे और आज पुण्य सलिला माँ गंगा हजारों लाखों साल के बाद भी पूरे भारतवर्ष के हम सभी लोगों को लिए जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंगा सागर तक, गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के शुद्धिकरण का नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, मगर वो बंगाल आकर रुक जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब बंगाल से गंगा सागर तक भी नमामि गंगे पूरा होगा। माँ गंगा को शुद्ध करने का, प्रदूषण मुक्त करने का और उसे सभी बच्चों को स्नेह और वात्सल्य के साथ माँ गंगा नहला सके, इस प्रकार के निर्मल जल के आस्वाद ले सके, ऐसी गंगा की निर्मिति करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। भैया मुझे तो बोलने दो। और आज जब एक तीर्थ स्थान पर आया हूँ, यहाँ की स्थिति देखकर मुझे भी बड़ा दुख होता है, जैसे लाखों श्रद्धालुओं को दुख होता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद कि यहाँ पर केंद्र सरकार की जितनी भी टूरिज्म की योजनाएं हैं उसको सफलता से हम लागू करेंगे और उत्तरायण का मेला जो यहाँ लगता है उसको अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट में स्थान देकर, इसको बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाकर इस जगह के महात्म्य को दुनिया भर में हम प्रसिद्ध करें। मैं फिर से एक बार इस स्थान पर आकर अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूँ और ये पवित्र तीर्थ स्थान करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र है। उसका पुनर्निर्माण, पुनरोद्धार बंगाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना कर मेरी बात समाप्त।